हिंदी में, जो महामारी कोरोना का चल रहे उसके बदले में अभी हम वैक्सीनेशन लेने के लिए हम सब नगरवासियों को एक विनंती करने के लिए हम हमारे नगर सभा के पूरे मेंबर्स और सीनियर लीडर्स सभी को ये बुला के एक सभी नगरवासियों को एक विनंती करने के लिए किस तरीके से हम कैंप लगाना वो डिस्कशन करके हम पूरे हर किसी को नहीं रहना वो कोविड का एक वैक्सीन देने के लिए हमने एक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अपना एक अनुभव बांट लेके सभी नगरवासियों को एक संदेश देने के लिए ये हमने एक प्रेस मीट किया है। कुछ बीमारियां हमारे पास ऐसे हैं कि उसका इलाज सिर्फ गवर्नमेंट के दवाखानों में है, गवर्नमेंट के पास ही है, बाहर उसका इलाज नहीं है, बाहर खाली हमको लूटा जाता है। जैसा कि अपेशवाम साहब बताए, चेचक बताए, पोलियो बताए, इसके साथ टीबी है, देवी है, जैसा चेचक बोले तो चेचक देवी एक ही हो गया। बड़ी बीमारी बोल के थी एक पहले हमारे लोगों में, हाथों में थी, पैरों में थी, लोग गाड़ियों पर जाते थे। तो ये गवर्नमेंट के पास जब वैक्सीन निकला, जब इसका टीका निकला, तो आज बीमारी नज़र नहीं आ रही, नज़र बीमारी नहीं है, गायब हो गई, और उसका इलाज सिर्फ गवर्नमेंट में हुआ। आज भी टीबी की बीमारी का है, उसका इलाज है तो गवर्नमेंट में ही है, प्राइवेट किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में टीबी का इलाज नहीं है। तो हम लोगों को भी गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ता है, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट हमारे लिए है। अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं किया तो फिर अब ना गवर्नमेंट चल सकती है, ना हम चल सकते। अब आप लोग अगर काहे लेकर कर किसी का भी सुनकर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ आया, कोई तो भी जो है अल्लाह वाली आदमी बोला, कोई तो भी साधु महाराज बोला, कोई तो भी बहिष्कार बोला, बोलकर जो है अगर आप वैक्सीन नहीं लिए, आप खुद भी ख़राब होते, आपका फैमिली ख़राब होता, आप बाहर 10 लोगों को मिलते अगर किसको क्या है मालूम है, उसके बाद महिला ख़राब होता, उसके बाद गाँव ख़राब होता, ऐसा होकर जो है एक से खाली फैलने की बीमारी है। इसलिए आज महीनों से लॉकडाउन है, सब लोग बेरोजगार हैं, अपने अपने घरों में परेशान हैं, खाने पीने के लिए परेशान है, कारोबार के लिए परेशान है। तो अब जो भी कुदरत से आई हुई बीमारी है ये, इसको एहतियात करना और इससे हम बचना, ये सबका हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हजबन गुजारिश करूँगा और सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है बगैर किसी डर के ये आप वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन का टीका लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं, मैं खुद भी वैक्सीन लिया हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे फैमिली में सब जने लिए, किसको भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन चुप लोग जो है उसका हवा फैला रहे, इसकी कोई हवाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है और बेबुनियाद बातों को जो है हम कान में डाल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए सब लोग आप वैक्सीन लीजिए। अब हमारे नौरंग साहब तो जो है अमजद नौरंग साहब तो अपना जाती तजुर्बा बताए, यानी उनको वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा हुआ बोले। अब ऐसा सरकम से ऐसे आते हैं, एक आदमी अचानक चलते चलते भी गुजर जाता है, मौत तो जो है मालिक के हाथ में लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता। और मौत को तो बहाना है, कोई मन्नत करके तो नहीं मरता, मन्नत करके बच्चे पैदा करेंगे, मन्नत करके शादी कर लेंगे, मन्नत करके दौलत लेंगे, घर लेंगे, बहुत से बातें हैं, कमिश्नर साहब परमिशन लेंगे मन्नत करके, लेकिन मन्नत करके मौत तो कोई नहीं लेता। इसलिए जो है आप सब लोग सब चीज़ों को गौर करते हुए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, वैक्सीन लीजिए। इतना कहते हुए मैं अपने शब्द खत्म करता हूं।